हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम इन किचन में स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लाई हूँ। पहली टिप्स मेरी करी लीव्स को है लेकर है। इसके लिए मैंने करी लीव्स को लेकर अच्छी तरह से धो लिया था और उसके जब सारी मिट्टी वगैरह निकल गए तो एक टॉवल में रख के मैंने उसे थोड़ी देर तक सुखा लिया। और अब एक सॉपर लिया है मैंने, जिसमें आजकल मार्केट से सामान आते हैं वो भी कॉटन का बना रहता है, तो उसी में करके मैंने इसमें इसे फोल्ड कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसे जी ब्लॉक बैग में डाल दिया है। इस जी ब्लॉक बैग को भी मैंने रीयूज किया है, ये मिक्सचर करके आए थे लेकिन ये बहुत ही मजबूत थे तो इसलिए मैंने इसमें रख के इसके मुंह को कवर कर दिया है। आप चाहें तो किसी दूसरे या नए जी ब्लॉक बैग का यूज कर सकते हैं। और ये करी लीव्स महीनों तक ख़राब नहीं होंगे दोस्तों। पापड़ को लेके है दोस्तों, पापड़ को अगर आप फ्राई कीजिए तो तेल बहुत गंदे हो जाते हैं। जनरली हम लोगों के घर में पापड़ लोग खाने में ज़रूर यूज करते हैं, तो मैंने पापड़ को गर्म तवे पर रख कर सेक लिया है और उसे देखिए मैंने फोल्ड भी किया। आप इसी गरम गरम में ही चाहें तो जिस तरह से मन चाहा फोल्ड करना चाहे तो गरम गरम में ही फोल्ड कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लोग तले हुए पापड़ खाते हैं तो इसी पापड़ में आप जिस तरह पराठा में ऑयल हल्का लगाते हैं, ग्रीस करते हैं, उसी तरह से इस पापड़ में लगाइए और बिल्कुल ये तले हुए पापड़ के जैसे हो जाएंगे। और इसे देखिए मैंने एक प्लास्टिक के डब्बे को लिया है जिसमें मैंने एक पेपर नेपकिन बिछा दिया है और इसी में करके मैं जब ठंडे हो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो ढक के मैं रख दूँगी। इसे बाहर ही रखिए, 5-6 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपके घर वालों की इच्छा हो उन्हें खाने के लिए दीजिए किसी भी खाना के समय। और तिकोने वाले जो पापड़ को मैंने फोल्ड किए उससे मैं अभी एक और रेसिपी देती हूँ और अलग उसका टिप्स है। तीसरी टिप जो है, जो मैंने पापड़ को फोल्ड करके रखा था उसी से लेकर है। मैंने जो पापड़ को फोल्ड किया था उसे मैंने ले लिया है और साथ में ही मैंने ग्लास में थोड़े से आम के शरबत को लिया है। इस आम के शरबत की रेसिपी भी मैं छोटा करके आगे डाल दूंगी। और इस आम के शरबत में मैंने केवल पानी लिया है, थोड़ा सा शरबत डाला, उस पर से केवल चिल्ड पानी देना है। और अब मैंने जो पापड़ फोल्ड किया था उसमें उसे मैं अपने शॉट ग्लास के ऊपर रख दूंगी, क्योंकि शॉट ग्लास में मैंने शरबत डाला है। और उसके ऊपर मैंने कटे हुए सैलेड छोटे छोटे जैसे कुकुम्बर, अनियन, आप चाहे तो टमेटो या और भी कुछ, धनिया पत्ती वगैरह डालिए, ग्रीन चिली डालिए, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, भुना जीरा, काला नमक डालिए। तो इस तरह से हमारे स्टार्टर तैयार हो गए, मसाला पापड़ विथ शरबत। फ्रेंड्स, मसाला पापड़ विथ शरबत कितने टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरी चौथी टिप आम के अचार के मसाले को लेकर है। जब कोई भी मसाला जब अचार का बचता है जिसे हम लोग यूज कर लेते हैं अचार को, तो मसाला बच जाता है क्योंकि हम लोग मसाला ज़्यादा डालते हैं। तो इसके लिए मैंने जो बचे हुए मेरे पास मसाले थे, मेरे पास आम के अचार के मसाले थे, आम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने उस मसाले में हरी मिर्च को लिया है, उसे धो कर के सुखा के बीच से चीरा डाल दिया था और उसे मैं आम के अचार के बचे हुए मसाले में डाल दूँगी। और अगर टेस्ट के मुताबिक ज़रूरत पड़े तो, वैसे तो इस पर नमक पूरी रहती है, थोड़ा सा नमक डालिए, ऑयल की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए इसे बस एक दिन धूप में दिखाइए और बिल्कुल आपके पास हरी मिर्च का अचार खाने के लिए तैयार है। मेरी पाँचवीं टिप आम के शरबत को लेकर है। देखिए मैंने 500 ग्राम आम को लिया था, धो करके उसे बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद मैं गूदा निकाल लूँगी। बॉयल करके ठंडा कर लिया था मैंने, उसके बाद मैंने इसके गूदे को निकाल लिया है। अब मैं एक ब्लेंडिंग जार में भुने हुए जीरे 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून मैंने काला नमक लिया है, प्लेन नमक मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, 1 लाल मिर्च को रोस्ट करके डाला है और सबों को मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह से। और अब मैंने ढेर सारा पुदीना लिया है और 1 मुट्ठी आप पुदीना अवश्य ले लीजिएगा, इससे बहुत फ्रेश फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। अब मैंने जो अपने आम के गूदे को निकाला था, सारे गूदे को मैं इसमें धीरे धीरे सिर्फ इसमें डाल के मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करने के बाद देखिए मैंने चाशनी बना के रखी है, 500 ग्राम में मैंने 400 ग्राम की चाशनी बनाई है, थोड़े से पानी को देके चीनी में मैंने चाशनी बना लिया था 1 तार का। और अब मैं सभी आम के गूदे को इसमें डाल दूंगी और 1 बॉयल आने के बाद बंद करके ठंडा कर लूँगी। और ठंडा कर लेने के बाद मैं इसे जार में डाल दूँगी दोस्तों। देखिए अब मेरे आम जो के शरबत जो हैं चाशनी में डाल के मैंने गर्म किया था, बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, बॉयल कर लिया था, अब ठंडे हो गए, तो मैं इसे एक कीप की सहायता से बोतल में डाल दूंगी। और बोतल का मुँह कर बंद करके फ्रिज में रखिए और इसे आप 1 साल तक पी सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा गिलास में शरबत डालिए, ऊपर से ठंडा पानी डाल के पीजिए। मेरी अगली टिप पुदीना के पत्ते को लेकर है। मैंने कुछ पुदीना के पत्ते अपने किचन में हैंग करके लटकाए हैं, इससे तो एक तो फ्रेशनेस बहुत आती है और पुदीना बहुत ही इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। मैंने जितने पुदीना के पत्ते की आवश्यकता थी उसे ले लिया है
और मैंने डंठल को नहीं फेंका, ऊपर में कुछ पुदीना के पत्ते मैंने लगे रहने दिया है ऊपर में, और अब मैं फिर से इस पॉट में इसे वापस लगा दूंगी। इस थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे गीला कर लिया है, और अब मैंने जो पुदीना के डंठल से पत्ते को निकाला था उसे फिर से मैं वापस इस पॉट में लगा दूंगी। ये फिर से ग्रो कर जाएंगे और फिर से मैं इसे यूज कर सकती हूँ। तो ये टिप्स भी आप लोगों के लिए बहुत काम की है, प्लीज़ इसे ज़रूर यूज कीजिएगा दोस्तों। मेरी अगली टिप सिले हुए बिस्किट को लेकर है। मेरे पास कुछ चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट थे जो कि सिल गए थे, मैंने उसे अच्छी तरह से ब्लेंडर में डाल के क्रश कर लिया था, और अब मैं उसमें 2 टेबल स्पून भर करके पीनट बटर डाल दूंगी। और पीनट बटर डाल के मैंने इसके अच्छी तरह से इसे मिला लिया है, और मिला लेने के बाद मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी, और बॉल्स को मैंने कलर्ड वर्मीसीली में डाल कर अच्छी तरह से लपेट लिया है, और लपेट के मैं इसे रखती जाऊँगी एक प्लेट में। अगर आप चाहें तो इसे पीनट में भी जो कि हल्का सा भून लीजिए और ददरा कर लीजिए, उसके स्किन को उतार कर उसमें भी लपेटिए, बहुत टेस्टी लगेगा। और इस तरह हमारे चोको पीनट कुकीज़ तैयार हो गए दोस्तों। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सिले हुए बिस्किट्स हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। 15 से 20 मिनट तक इसे फ्रिज में रखिए, उसके बाद इसको यूज कीजिए, बिल्कुल करारे और कुरकुरे हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरे टिप्स पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ में बेल अवश्य दबाइएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।